नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की और आपको बताने वाले हैं किसान आंदोलन को लेकर आ रही आज की कुछ बड़ी खबरें। हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई है और अब अगली बातचीत कब होने वाली है, और साथ ही हम आपको बताएंगे उन दो मांगों के बारे में जो कि सरकार मान चुकी है। तो वो दो मांगे कौन सी है वह भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखने को मिल सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरें। तो जैसा कि कल किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन इस बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। सरकार दो मांगे मान चुकी है। पहला यह था कि पराली जलाना अब जुर्म नहीं है और दूसरा यह कि अब बिल भी वापस हो जाएंगे। लेकिन सरकार के सामने जो दो अहम मांगे थी जिस पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं वो अभी तक सरकार ने नहीं मानी। जैसे कि इस कानून को वापस लेना है, यह भी सरकार ने नहीं माना। एमएसपी वाली बात भी सरकार ने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है। तो ऐसे में अभी तक दो मांगे ही सरकार ने मानी है, दो नहीं मानी है। और इसीलिए सरकार ने यह भी कह दिया था कि कानून अब रद्द नहीं होगा, कानून निरस्त नहीं होगा। लेकिन किसान भी एक और डटे हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब अगली बैठक अगले साल यानी कि 2021 4 जनवरी को होने वाली है। हो सकता है 2020 जाने के बाद 2021 नया साल एक अच्छा साल रहे और इसमें सरकार किसानों की भी बात मान ले। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपको ये खबरें हो सकता है कि आपको पता हो या फिर नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ और आज की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो अगली खबर किसान आंदोलन के बीच हरियाणा से। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव हुए। यहाँ पर 3 सीटों पर निकाय चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी और जननायक पार्टी को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी केवल 1 सीट पर ही अपनी जीत दिखा पाई है, बाकी की सारी सीटें हार गई है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से आंदोलन का जो प्रभाव है वो चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर किसान है वो हरियाणा पंजाब से ही है। इसके अलावा भी कई सारे किसान राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से किसान है जरूर, लेकिन सबसे ज्यादा जो किसान नाराज नजर आ रहे हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही आ रहे हैं। इसीलिए ये देखने को मिला है कि हरियाणा में सिर्फ 1 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली है, बाकी सीटों पर उन्हें जीत नहीं मिली। यानी 3 सीटों पर ही चुनाव हुआ था लेकिन 2 सीटें वो हार गई है। वहीं जैसा कि पहले किसानों ने आह्वान किया था कि हम गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन आज नहीं निकाला है क्योंकि जो कल की मीटिंग थी, जो कल की बातचीत थी वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हुई है और इसी वजह से किसानों ने अब ट्रैक्टर मार्च को अभी टाल दिया है। लेकिन हो सकता है 4 जनवरी के बाद या तो आंदोलन खत्म हो जाए या फिर ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि सरकार अब दो मांगों पर अगली मीटिंग में बात करने वाली है। पहली बात होगी एमएसपी पर और उसके बाद कानून पर बात होने वाली है। तो दोनों ही मांगों पर बातचीत होने वाली है 4 जनवरी को। इस बातचीत के बाद उम्मीद है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर सरकार किसानों की बात मान लेती है तो। तो इस प्रकार से आज का वीडियो था जहां पर कुछ बड़ी खबरें थी। हालांकि आज इतनी बड़ी खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी नहीं थी क्योंकि किसान अब अपने आंदोलन को कम कर चुके हैं, क्योंकि जो कल की मीटिंग थी वो सकारात्मक हुई थी और अगली मीटिंग भी हो सकता है कि पॉजिटिव ही हो किसानों के लिए। तो ऐसे में किसान आंदोलन खत्म भी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसी ही जानकारियां आप आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।